आज मसाला किचन में इडली के बैटर से ऐसे नाश्ते बन रहे हैं कि बहुत ही पसंद आएंगे। साउथ इंडियन की इडली किसे नहीं पसंद, बच्चे बड़े सभी एंजॉय करते हैं। आज दो तरीके की इडली बनाएंगे जो आपको बेहद पसंद आएंगी, बच्चे तो आसानी से खाएंगे इस इडली को। ये दो शेप जो आपने देखे हैं, क्या पहले आपने कभी ट्राई किए? बड़ों को, बच्चों को, सभी मांग मांग कर इसे जरूर खाएंगे। हम बोर हो जाते हैं कई बार वही रेसिपी बना बना के, आज कुछ नया सा बनाते हैं। ये इडली जिसे आप सांभर के साथ तो खा सकते हो, चटनी के साथ भी, लेकिन ये आइसक्रीम शेप में होने से बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो इस इडली को बनाने के लिए हम कोई भी बैटर ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, मेरे पास फर्मेंटेड वाला बैटर है, हम उससे भी बना सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको एक इडली सूजी से भी बना के दिखाती हूँ। तो जो भी, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं उससे आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक कटोरी भर के सूजी ली थी, बारीक वाली, और उतना ही बिल्कुल दही ले रही हूँ। दही नॉर्मल जो घर का होता है हम जमाते हैं, या घर बाहर का भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दोनों को हमने मिक्स कर दिया। कभी बाय चांस आपके पास दही कम है तो आप थोड़ा पानी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस दही और सूजी को मिलाकर आप 10-15 मिनट के लिए अलग रख दीजिए। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है, आप किसी भी पतीले में बना सकते हैं, किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। हम ये रोल वाली जो स्टफ्ड इडली बना रहे हैं, ये जो हम लोग इडली डिस्क बना रहे हैं, उसके लिए हम इसे गिलास में बनाएंगे। तो आप ऐसा कोई पतीला या इडली स्टैंड लीजिए जिसमें ये गिलास आ सके, बस ये चेक करना है। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक प्याज ले लिया है, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा अदरक, नींबू, और मैंने लिया एक थोड़ा करी लीव्स, ये तड़के के लिए लगेंगे, और थोड़ा आलू लिया है बॉयल। आलू को मैं ग्रेट कर लेती हूँ, बॉयल आलू है, इसे ग्रेट करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट बनेगा। एक पैन ले लेते हैं, गैस ऑन करके इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा बिल्कुल न डालें, सिर्फ एक छोटा चम्मच। इसमें डालेंगे आधे चम्मच से भी थोड़ी कम राई, आधे चम्मच से थोड़ी कम जीरा। इसको टटकने के बाद हम डालेंगे इसमें प्याज, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ है। प्याज अगर नहीं खाते हैं तो पूरी तरीके से इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और अदरक। सर्दियों में अक्सर भूख ज़्यादा लगती है, और इस वक्त अभी भी घर में बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऐसे में हमें कुछ नाश्ते ऐसे आने चाहिए जिसमें ज़्यादा ऑयल भी ना हो और ये नाश्ता डिफरेंट लगे आपको। अब इसमें मनचाहे मसाले डाल दीजिए, जैसे नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, या चाट मसाला, जो भी आप खाते हैं या जो पसंद करते हैं। इन सब को मिक्स कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए बॉयल आलू ग्रेट किया हुआ। इन सब को मिक्स कर लीजिए। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, इसकी वजह से ये बहुत ही बढ़िया फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा ऑयली फिलिंग हमें नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। गैस बंद करिए और इसे मिश्रण को मिक्स करके ठंडा कर दीजिए। अब इस मिश्रण के हम बनाएंगे रोल। रोल बनाते टाइम भी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जितना लंबा आपका ग्लास है, उस ग्लास के अकॉर्डिंग हमें इस रोल को बनाना है। हो सकता है आलू बच भी जाए तो आप बचा सकते हैं। ये देखिए, मैं ग्लास के हिसाब से आपको दिखा रही हूँ कि हमें क्या करना है। नीचे की जो चौड़ाई है तो उस हिसाब से हमें इस रोल को बनाना है, और ग्लास से थोड़ा छोटा बनाना है, जिससे क्या होगा, इडली का मिश्रण ऊपर तक ग्लास में आ जाएगा तो ये रोल अंदर तक रहे। बस हमें इस टाइप का चाहिए। हमने ये दो रोल बना के एक तरफ रख दिए। अब बारी आती है हमें उसी पैन में जिसमें हम इडली बना रहे हैं, इडली मेकर हो या पतीला हो, उसमें पानी डालकर उबलने के लिए रख दीजिए। ग्लासों में हम अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस कर देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि सांभर घर में नहीं है लेकिन इडली का बैटर है, कोई मेहमान आ रहे हैं, तब भी इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं। अब उस मिश्रण को देख लेते हैं जिसे हमने 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। काफ़ी थिक सा हो रहा है क्योंकि सूजी काफ़ी फूल गई है। अब थोड़े से पानी डाल के, मतलब 3-4 चम्मच पानी डालकर उसका मिश्रण ऐसा कर दीजिए कि परफेक्ट हो जाए।
फिलिंग वाली जो इडली है उसे तो आप शाम को एंजॉय कर सकते हैं बिना सांभर के किसी भी चटनी के साथ। बहुत ही बढ़िया नाश्ता लगेगा, लगेगा ही नहीं ये इडली के बैटर से बनाया है। और इडली का बैटर कोई भी यूज कर सकते हैं, या फर्मेंटेड वाला या सूजी का, कोई भी इडली का बैटर हो आपका नाश्ता परफेक्ट बनेगा। यहाँ डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून डाल रही हूँ इनो का सैशे। अगर बाय चांस इनो ना हो तो आधा चम्मच आप डाल सकते हैं, आधे चम्मच से भी थोड़ा कम मीठा सोडा। पर इनो से बहुत ही परफेक्ट बनता है और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है, वाइट भी बनती है। अब गिलास में ऑयल लगे गिलास में आपको थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालना है और ये जो रोल बनाया है उसे बीच में स्टैंड करना है। स्टैंड करने के बाद फिंगर से पकड़ते हुए चारों तरफ उसके मिश्रण डाल देना है, लेकिन गिलास को उतना ही भरिए जितना रोल बना हुआ है। ये देखिए मैंने पूरे मिश्रण को खत्म कर दिया और थोड़ी सी जगह है तो बस इतना ही हमें चाहिए। अब इन दोनों गिलासों को इस पानी के अंदर रख देते हैं। आप चाहें तो नीचे स्टैंड रख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से स्टैंड की जरूरत नहीं है। इसे कवर कर दीजिए और करीब करीब 15 मिनट लगेंगे इसे स्टीम होने में। यहाँ देखिए ये स्टीम्ड हो रहे हैं, बस इतना आपको चेक करना है। जब पूरे 15 मिनट हो जाएंगे तब हम चेक करेंगे। यहाँ देखिए मैंने एक टूथपिक लिया है और ऊपर से इसे चेक कर रही हूँ। ऊपर अगर क्लीन आ रही है मतलब ये परफेक्ट बन चुका है, क्योंकि नीचे तो वो पानी में डूब रहा है तो परफेक्ट होगा ही। बस ऊपर अच्छे से स्टीम हो गया मतलब ये इडली बन चुकी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इस डिश को उतार के एक तरफ रख देते हैं, थोड़ी देर पानी में ही रहने देते हैं, बाद में हम निकालेंगे इसे। अब चलते हैं दूसरे टाइप की इडली बनाने, जिसके लिए हमें क्या करना होगा। कोई भी एक बर्तन ले लीजिए जिसमें आप कवर करके रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए आइसक्रीम बोल, मैंने इसे एक बार रेस्टोरेंट में खाकर देखे हैं, बहुत पसंद आए मुझे। इडली स्टैंड में न डालकर इसे आइसक्रीम बोल में बना रहे हैं और इस सांभर के साथ इसे सर्व कर रहे हैं। आपके पास छोटे छोटे ग्लास हों तो उसमें भी आप बना सकते हैं, पेपर कप में भी बना सकते हैं अगर पेपर कप थोड़े से बड़े हों। मसालदानी जो होती है मसालदानी में आप बना सकते हैं, तो इस तरीके से हम घर में जुगाड़ लगा सकते हैं। यहाँ मैं वो मिश्रण ले रही हूँ जो फर्मेंटेड है। मैं इसलिए ये दोनों काम किया मैंने कि जो भी आपके पास हो उन दोनों से ही परफेक्ट इडली बनेगी। यहाँ देखिए इडली बैटर को मैं आइसक्रीम बोल के अंदर डाल रही हूँ और इसमें जो उबल रहा है उस पानी में हम इस तरीके से रख रहे हैं। एक बात और, जैसे हमने सूजी का जो मिश्रण बनाया उसमें हम इनो जरूर डालते हैं, लेकिन जो फर्मेंटेड वाला होता है उसमें हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्मेंटेड है मिश्रण। तो बस नमक डालिए और डाल दीजिए इसके अंदर। इसे भी 10 से 12 मिनट तक इस तरीके से स्टीम होने दीजिए। ये देखिए इसे भी हम चेक करेंगे और निकाल के रख देंगे, परफेक्ट। गैस बंद कर देते हैं और इसकी लिड हटाते हैं। अब क्या करेंगे, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती है ना उन्हें हम इस तरीके से सेंटर में डाल देंगे तो वो अच्छे से सेट हो जाएंगी। हम पहले भी डाल सकते थे पर ये लिड जो है ना थोड़ी छोटी थी तो मैंने पहले नहीं डाली थी ये आइसक्रीम स्टिक। काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएंगे। बच्चों को कभी भी हम नई चीज़ देते हैं ना तो उन्हें बेहद पसंद आती है। अब ये चटनी हम सर्व कर रहे हैं जो डोसे के साथ मैंने पीनट के साथ बनाई थी, कल ही आपको रेसिपी दी है। आपने अगर नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप देख लें, बहुत ही परफेक्ट बनती है। सर्दियों में हमें पीनट खाना भी चाहिए। ये है हरी चटनी, नॉर्मल जो हम हरी चटनी बनाते हैं ये वही है। हरी चटनी की भी रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ, उसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। ये सांभर भी मैंने कल ही बनाई थी, इंस्टेंट बनेगी, फटाफट बनेगी और इसका एंजॉय कर सकते हैं इस इडली के साथ। इसके साथ मैं ये आइसक्रीम वाला इडली सर्व करूंगी। इन ग्लासों को भी मैंने निकाल के रख दिया है थोड़ा ठंडा करने के लिए। अब मैं दिखाती हूँ इसे हम निकालेंगे कैसे। नाइफ को लीजिए, हल्के से ऑयल में डिप कीजिए और धीरे से ट्विस्ट कीजिए, इसे बाहर निकालिए। ये देखिए परफेक्ट इडली बनकर तैयार हुई है। इस मिश्रण के साथ भी बहुत ही बढ़िया इडली बन सकती है, सूजी के साथ भी बढ़िया इडली बन सकती है। तो आप कैसे बनाना पसंद करेंगे ये मुझे ज़रूर बताइए। बीच में रख दीजिए सांभर की कटोरी, लीजिए तैयार है आइसक्रीम इडली सांभर और चटनी के साथ।
इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं उन ग्लासों में जो हमने इडली बना के रखे उसे निकालने। उसके लिए भी एक नाइफ लीजिए, ऑयल में थोड़ा सा डिप कर दीजिए, क्योंकि लंबा ग्लास है तो हमें ऑयल लगाना बहुत जरूरी है। सब तरफ से थोड़ा सा स्क्रैप करके उसे धीरे से निकाल दीजिए। परफेक्ट इडली रोल बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। अब आपको ये नहीं लगेगा कि आप मिश्रण से बना रहे हैं या सूजी से बना रहे हैं, जिससे भी आप बना रहे हैं आपका परफेक्ट बनना है। कहीं रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसे बना सकते हैं। अब चलते हैं इसका तड़का बनाने। आप चाहें तो यूं भी सर्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अगर थोड़ा लाइट कलर का खाना है। लेकिन अगर थोड़ा तड़के वाला बनाना है तो वो इस तरीके से बनाइए। पैन रखिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा जीरा और राई डाल दीजिए। यहाँ डाल दीजिए करी लीव्स, जिसे मीठा नीम भी कहते हैं। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम सांभर के साथ सर्व नहीं करेंगे इसे, नॉर्मल चटनी के साथ सर्व करेंगे, तो ये इतना ही बढ़िया बना लीजिए बिल्कुल स्नैक्स की तरह लगे। अब इसमें गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की और थोड़ा सा डाल दीजिए इसके अंदर पानी। जिस तरीके से हम ढोकले में थोड़ा सा पानी का तड़का लगाते हैं ना, बस वैसा ही हमें तड़का बनाना है। अब आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, ये सारी चॉइस आपकी है। मैंने यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा नींबू का रस। अब हम इस रोल को लेते हैं जो ग्लास से निकाला है और उसे इस तरीके से घुमाकर हम पूरा यहाँ पर रोल कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरे रोल को भी डालेंगे, जिससे ये तड़का ऊपर से लग भी जाएगा और इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ेगी। मैं हाथों से इसलिए इसको चला रही हूँ, जिससे चम्मच से या खुरपी से होगा क्या, ये क्रैक हो सकता है। बहुत ही सॉफ्ट है ना। अब गैस बंद कर दीजिए। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कीजिए और इसके स्लाइस कर दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, अंदर फिलिंग वाला रोल। अब इसे किसके साथ भी खाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी होगा। इसे टमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। लीजिए, तैयार है दोनों टाइप की इडली। आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट जरूर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक तो बनता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।